दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू सर्च जनरल। जैसे जो हम अभी हमारा जो सेमिनार होने वाला है उसमें हमें कोई ना कोई देना है सेमिनार, कोई भी एक जर्नल के ऊपर कोई भी एक उठा के, तो हम देखेंगे कैसे उसको डाउनलोड करना है, सर्च कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट है, वो सारी चीज़ें। तो आई होप ये वीडियो कुछ 5-10 मिनट की रहेगी और उसमें आपको लगभग जो आपको जानना है मिल जाएगा। तो सिंपल आपको क्रोम क्रोम खोलना है, और वन मोर थिंग कि आप ट्राई करना ना कि आप जब कोई भी ये जो मैं बताऊंगा वेबसाइट आपको मैं, जब इसको आप एक्सेस करो तो ट्राई करना कि आप इसको अपने एमएसयू के वाईफाई से एक्सेस करना, बिकॉज के हमारे एमएसयू में जो हमारा जो सर्वर है हमारा, हाँ हमारे एमएसयू ने पहले से पैसा भर रखा है इन सब वेबसाइट्स पे, तो हमें फ्री एक्सेस मिल सकता है। अगर आप नॉर्मल वेबसाइट जाओगे नॉर्मल फ़ोन के थ्रू, नॉर्मल अपना वाईफाई लेके अपना फ़ोन लेके, तो उससे आपको आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो यूजिंग एमएसयू वाईफाई यू कैन डाउनलोड दी चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंपल सर्च करना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैनल, सही है? तो जैसे ही आप सर्च करोगे इसको तो आपको जो पहला लिस्ट मिलेगा दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट इसको क्लिक करना है आपको। देन क्लिक करते क्या होगा, इसको क्लिक करते ही आपको यहाँ जाना है, थोड़ा सा वेट करना, वेबसाइट पहले ये लोड होती है देन आपको प्रोसीड करना है फिर। तो इस वेबसाइट पे आपको हर टाइप की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि आपको 23 की आप जो जर्नल है वो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, और हमें काम खाली 22 का है। मतलब हमें बोला गया स्पेशली कि फॉर सेमिनार ओनली 2022 वाले जर्नल यूज कर सकते हैं, 21 वाला नहीं चलेगा, और उसके पहले वाला तो मतलब कोई क्वेश्चन नहीं उठता उसके लिए। हाँ तो आपको ट्राई करना है कि 2022 में जो जर्नल रिलीज हुई हो उन्हीं पे आपको उन टॉपिक को लेना है आपको एज अ सेमिनार के लिए अपने। तो क्या करेंगे, पहले पहले लेंगे लिस्ट ऑफ इश्यूज पे, हाँ क्लिक कर दिया आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही है, या आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ ईयर वगैरह नंबर 2010, 20, 2000 ऐसे करके, तो हमें जाना है सिंपल 2022 पे। जैसे आप यहाँ पे आओगे अब इसमें आपको यहाँ पे अलग अलग वॉल्यूम दिख रहे हैं, तो होता ऐसा है ना कि हर साल एक वॉल्यूम में, एक जो वॉल्यूम होता है लाइक मैं बात कर रहा हूँ जनरल की, एक जनरल में आप जाओगे ईयर के अंदर आपको जाना पड़ता है वॉल्यूम के अंदर, एक वॉल्यूम का जाना अंदर जाना पड़ता है आपको इश्यूज के अंदर। एक इश्यूज में बहुत सारे जर्नल होते हैं जो आपको काम है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, कोई भी आप इसे यूज सकते हो, कोई भी मैं जा रहा हूँ 18 फरवरी वाले पे, हाँ आप कोई भी ले सकते हो, सही है? और तो हम देखते हैं इसमें से कोई भी आपको डाउनलोड करना है, तो लेट से मेरे पास ये है, मैंने इसको ले लिया मान लो, क्लिक करूंगा, क्लिक करके दो चीजें होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपको एक पीडीएफ डाउनलोड मिल जाएगी, आपको दिख रहा है ऑप्शन यहाँ पे PDF 2 MB करके, जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे तो ये कुछ ऐसा आएगा, मतलब कि ये पैसे मांग रहा है हमसे। तो हम तो थोड़े से होशियार है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे कॉपी यहाँ से। आप इधर ये हेडिंग कॉपी कर सकते हो, इधर आप कॉपी कर सकते हो DOI नंबर, यहाँ पे लिखा दिख रहा है आपको DOI.org, ये स्पेशली कोई भी जर्नल का एक नंबर होता है। जैसे मान लो आपने कोई जर्नल पब्लिश की तो आपको ये नंबर रजिस्टर कराना पड़ता है खुद से, तो क्या करेंगे अपन, हम ये वाला कॉपी कर लेते हैं, और जैसे ही मैं इसको कॉपी करूंगा तो कॉपी करने के बाद में जाना पड़ेगा मुझे एक वेबसाइट पे जिसका नाम है साई हब करके, ये वेबसाइट जो थोड़ी इलीगल है, तो भले ही कुछ होगा नहीं बट इलीगल है ये करना तरीका। तो हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे ही हमें यहाँ पे अपना नंबर देना पड़ेगा अपना जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था वहाँ से, तो वहाँ से कॉपी कर दो और यहाँ के पेस्ट कर दो। जैसे आप यहाँ पे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे मिल गई PDF, तो सिंपल क्या करना है इसको डाउनलोड कर लेना है, जो कि वहां पे नहीं मिल रही थी वो मिल गई हमें यहाँ पे, तो आपको इस तरह से सर्च करना है और डाउनलोड करना है। तो ये डाउनलोड होगी PDF, अब PDF आपको डाउनलोड करके इसमें अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है और अपने मेंटर के थ्रू उसको समझना है। तो इस तरह से आपको, अब मान लो कि आपको अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको कोई और टॉपिक चाहिए, तो आपसे क्या करना है, सिंपल आपको जाना है पीछे की तरफ, और जो वॉल्यूम्स थे जो इश्यूज मैंने बताए थे वहाँ पे 2022 के अंदर, उनमें आपको सर्च करना है। आपको इसमें तो बहुत सारे ऑफकोर्स लाइक 10,000 से 20,000 तक 20,000 तक साइज में जर्नल पड़ी है, उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो लिस्ट दो आप। और ये हो गया, वैसे और भी तरीके हैं लेने के, जैसे एक वेबसाइट है, हालांकि आपको यहाँ सारा मिल जाएगा, बट इन केस अगर आपको इनऑर्गेनिक का कोई चाहिए, हाँ तो उसके लिए आप सर्च कर सकते हो इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री करके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जर्नल, जैसे ये ऑर्गेनिक का है वैसे आपको मिलेगा इनऑर्गेनिक का भी। हाँ तो सिंपल आप यहाँ से कोई भी एक उठा सकते हो, और हाँ ट्राई करना है कि आपको ना के जो जर्नल हो वो उसमें इंडियन ऑथर ना हो, अदरवाइज क्या होगा कि आपको भगा देंगे दूर से ही। वो ट्राई करना कि आप अपना जो फॉरेनर ऑथर हो उन्हीं को लो और लेटेस्ट लो। तो इस तरह से आपको सर्च करना है,
और मिल जाएगा आपको ऐसा बहुत सारे जर्नल मिल जाएंगे आपको। देखो देखो ये 15 जुलाई में ये वाले में इतने सारे जर्नल पड़े हैं, बस आपको सिंपल यहाँ से डाउनलोड करना है और आपको जाना है साई हब पे। सही है, तो ये और भी ये तो सिंपल ये जो वेबसाइट है ये थोड़ा सा ओपन एक्सेस नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री नहीं मिलेगा, बट फ्री वाले वेबसाइट्स भी हैं जो कि मिल जाएंगे आपको वहाँ भी। बट ट्राई करना कभी यहाँ से लो, और एक वेबसाइट अपनी है स्प्रिंगर करके, मैं आपको दिखा देता हूँ तो स्क्रीन शेयर करके। वेट अ मिनट, कैसे जाऊँ, सर्च करना है इसको, स्प्रिंगर। वेट, या मैंने सर्च कर लिया, मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ फटाफट में। हाँ तो ये वेबसाइट है स्प्रिंगर करके, ये वेबसाइट एक तरह का ओपन सोर्स वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कुछ भी जो मिलेगा जनरल वो सारा क्या होगा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल सर्च करना है अपना, लाइक आपको कौन सा चाहिए। जैसे मान लो मुझे चाहिए मेडिसिन, चाहिए मेडिसिन वाला कोई जनरल, तो यहाँ से आपको सर्च करना है, मतलब ढूंढना है एंड डाउनलोड कर लेना है। करें यहाँ पे आपको बहुत सारे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहे होंगे नीचे, देखो ये टॉपिक है एंड यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन है। हाँ मैं नहीं कह रहा कि आपको इसमें डाउनलोड करना है, आपको सिंपल यहाँ पे सर्च करना है अपने हिसाब से। लाइक आपको अगर हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री चाहिए या तो आपको कोई और केमिस्ट्री मतलब आपके अकॉर्डिंग जो चाहिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, और डाउनलोड का ऑप्शन ये रहा, सिंपल डाउनलोड करोगे वैसे आपका जो फाइल डाउनलोड हो जाएगा। सही, तो इस तरह से आपको देखना, और आप ट्राई करना कि आप रिव्यू पेपर डाउनलोड करो। हमें प्योरली जर्नल जर्नल चाहिए खाली, हमें बुक भी नहीं चाहिए, ना हमें आर्टिकल चाहिए, ना ही रिव्यू चाहिए। तो आप वो सिंपल उस पर लिखा होता है कि वो आर्टिकल है या तो फिर वो क्या है, तो इस तरह से आपको डाउनलोड करना है। और दूसरी बात, पीपीटी कैसे बनानी है, तो पीपीटी का भी मेरे पास एक सीनियर थे, उनसे मैंने बात की थी थोड़ा पीपीटी के रिगार्डिंग, तो उन्होंने मुझे अपनी पीपीटी दी थी, तो मैं एक बार शेयर करता हूँ आपको, बताता हूँ पीपीटी कैसे बनानी है थोड़ा सा वो। हालांकि सिंपल है, आप चाहो तो और भी यूज कर सकते हो। वैसे ड्राइव लिंक जो अपनी है उसमें पड़ी है, एक सिंपल पेपर पड़े थोड़े से वो सेमिनार के कुछ पीडीएफ पीपीटीज, तो ये कुछ था उनका, ये आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ तो देखो सिंपल आपको सिंपल सा लोगो लगाना है यहाँ पे, ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप यहाँ से लोगो कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो। एंड देन कुछ होना चाहिए, आपका पहला पेज होगा जिसपे आपका नाम होगा, आपका जो मेंटर है वो होगा मेंटर का नाम, एंड आपका जो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन वो होगा इसके अंदर। हाँ और जो आपका ये फर्स्ट पेज है आपका जिसमें आपका नाम टॉपिक वो होने वाला है, एंड देन जो आपका सेकंड पेज होगा उसमें आपको पूरा बताना, टाइटल बताना है पूरा। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट पेज जो है उनका टाइटल का वो यहाँ पे इन्होंने डाल दिया ऐसे, एंड देन ये अपना लोगो होगा। और ये ट्राई करना कि आप सब पेज पे लोगो लगा दो साइड से, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। हाँ और कोई रीजन नहीं है, एंड देन नीचे लगा दो सिंपल डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आता है देखने में। और ये आपको होना चाहिए, लाइक नेम ऑफ दी ऑथर, नेम ऑफ द जर्नल एंड डीओआई नंबर, ये आपको बताना पड़ेगा। एंड पब्लिशर कौन है आपका, जैसे यहाँ पे जो पब्लिशर है वो एल्सवेयर है, तो आप कोई भी लेके ले सकते हो, और आपको वो जो पब्लिशर का नाम डालना पड़ेगा आपको। सही है, और ये आपका सेकंड पेज रहेगा जो कि आपका प्योरली इंट्रो रहेगा कि आप क्या जो आप ले रहे हो आर्टिकल, लाइक आपका जर्नल जो है वो मतलब किसके ऊपर है। हाँ और सेकंड पेज जो आपका थर्ड पेज रहेगा उसमें बताना आपको ये रहेगा ये पूरा चीज़, लाइक आपका एब्स्ट्रैक्ट क्या है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब आप जो बता रहे हो उसका इंट्रो आप बताना पड़ेगा आपको। एंड देन आपको देखो ये जो चीज़ ये वाली जो चीज़ है, ये थर्ड फोर्थ एंड ये सारा आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। अभी इसमें इन्होंने ये टॉपिक उठाया, बट ये आपको सिंपल समझाने के लिए, लाइक जो रिएक्शन हो रही है कैसे हो रही है, एक्सपेरिमेंट क्या क्या हुआ था वो। एंड हाँ जो आपका थर्ड लास्ट रहेगा वो आपका कंक्लूजन रहेगा, देन रेफरेंस, देन एक्नॉलेजमेंट, भाई आपने जो मतलब सबसे हेल्प ली है वो बताना पड़ेगा आपको। तो कुछ इस तरह से आपको इसको करना है प्रेजेंट। ये पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप के अंदर में, तो आप इसको देख के समझ के अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और ट्राई करना कि आप अपना पीपीटी थोड़ा शॉर्ट बनाओ, ये सर ने बताया था, प्रकाश सर ने, मैं उनसे बात करने गया था कि पीपीटी थोड़ी छोटी होनी चाहिए, 12-13 मतलब 20-15 स्लाइड होनी चाहिए लगभग, क्योंकि आपको दिए जाएंगे लगभग 12 से 13 मिनट, मतलब 15 भी हो सकता है डिपेंड करता है, बट 12-13 एवरेज सबको मिल जाएगा। और उसके बाद आपसे 3-4 मिनट वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे जो आपने सेमिनार दिया है जिस टॉपिक पे, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि, और आपको सारे बेसिक क्वेश्चन पता होने चाहिए अच्छे से उसके ऊपर। हाँ लाइक जैसे हमारा वाइवा होता है कुछ उस तरह से। और हाँ जो पूरा सेमिनार रहेगा वो पूरा रहेगा अपना इंग्लिश में, आपको बोलना पड़ेगा पूरा। सही, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना उसको, और ट्राई करना कि पीपीटी आपको याद हो जाए, बिकॉज अगर आपको पीपीटी याद रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप देख के बोल रहे हो पीपीटी तो ऐसा हो सकता है कि आप बीच में फंस जाओ, तो वैसा ना हो तो आप ट्राई करना कि पीपीटी थोड़ा सा मतलब पहले से याद कर लो, बाय हो जाए अच्छे से आपके। और हाँ पूरा हमें जो पेपर हमारा होता है जनरल वो हमें देना नहीं है, पूरा हमें एक्सप्लेन नहीं करना, हमें जितना समझ में आ रहा है
जितना उसमें जो मेन मेन सारे पॉइंट्स वो आपको सिंपल अपनी ऑन वर्ड में या तो पीपीटी वहां से उठा के कॉपी पेस्ट करना है बस। तो इस तरह से आपको यूज करना है। एंड देन ये जो पीपीटी है मैं भेजूंगा ग्रुप में, तो इससे थोड़ा आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हो रेफरेंस के लिए। और ऑल द बेस्ट फॉर सेमिनार।